देश में आज ईद उल फित्र मनाया जा रहा है और आज रमजान का त्यौहार जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के कुर्ला इलाके में और रमजान का अलविदा रोज़ा भी हो चुका है। जुम्मे के दिन अलविदा रोज़ा होने के बाद लोग जो है एक दूसरे को गले मिलकर ईद के त्यौहार की बधाई जो है वो दे रहे हैं। ईद के दिन लोग नए नए कपड़े पहनकर मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से चैन और अमन की दुआ करते हैं। आपको मैं तस्वीर जो दिखा रहा हूँ मुंबई के कुर्ला इलाके की है और सुबह की नमाज अदा करने के बाद लोग जो हैं वो एक दूसरे को गले लगाकर ईद के त्यौहार की बधाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी जाती है। बात करें तो मुंबई में जो तमाम बड़े मस्जिदें हैं, माहिम दरगाह हो, कुर्ला की मस्जिद हो या फिर मीनारा मस्जिद हो, इन तमाम जगहों पर लोग जो है सुबह से नमाजी जो है वो इकट्ठा हुए थे और नमाज अदा कर रहे थे। रमज़ान का महीना जो है मुसलमानों के लिए एकदम पाक महीना माना जाता है। 29 से 30 दिन जो है लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़ा के बाद जैसे ही अलविदा जुमे की अलविदा नमाज अदा करने वाले चांद का दीदार होता है उसके ठीक अगले दिन ईद का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। सुबह से ही हज़ारों की संख्या में जो नमाजी थे वो मस्जिदों के बाहर इकट्ठा हुए हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। रमज़ान के मौके को देखते हुए हर मस्जिद के बाहर जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं सड़कों पर उतरे हैं और नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को ईद की बधाइयां जो है वो दे रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ राहुल पांडे, News24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।